27 फरवरी 2002 को एक जघन्य अपराध गोधरा रेलवे स्टेशन के ऊपर हुआ, जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को बहुत सारे लोगों ने ए केबिन के पास रोककर पथराव किया गया और वहां डिब्बे में आग लगाई गई। और डिब्बे में आग लगाने की वजह से 59 कार सेवक्स को डेथ हो गई और बाकी के 48 लोगों को गंभीर इजा हुई। और उसके कारण गोधरा रेलवे स्टेशन में उनके विरुद्ध में केस दाखिल हुआ। इस केस में जिसमें रफीक हुसैन भट्टू नाम का एक अपराधी जो 19 साल तक फरार था, जो अपने घर पे नहीं आ रहा था, वो भी 4/7/2003 से चार्जशीट के अंदर एब्सकॉन्डिंग एक्यूज की तरह से शामिल था। उसके सामने भी केस चालू था और गोधरा पुलिस ने उसको पकड़कर एसआईटी के हवाले किया और एसआईटी ने उनके सामने चार्जशीट दाखिल करके और केस सेशंस कोर्ट में दाखिल किया। सेशंस कोर्ट ने सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी विटनेसेस का जायजा लिया और विटनेस को एनालिसिस करने के बाद आज गोधरा एडिशनल सेशन जज साहब ने रफीक हुसैन भट्टू के सामने कॉन्स्पिरेसी विद मर्डर और 307 माना गया है और उसके उसके उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई है।